नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, याहू देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर ललितपुर से है, जहां पर दो दिन पहले राष्ट्रीय राजमार्ग बमहोरी सर के समीप खेत में एक महिला का प्रसव हुआ, जहां पर महिला को दो दिन पहले ही भर्ती कराया गया अस्पताल में। वहीं महिला को देखने जब परिजन आए तो कहानी का सच जानकर लोगों को काफी हैरानी हुई। इसके बाद लोक लाज के डर से महिला अपने नवजात बच्चे को छोड़कर अस्पताल से गायब हो गई। क्या प्रकरण, क्या मामला है पूरा? ये कल प्रधान जी, बमौदी के प्रधान जी, इसकी महिला को भेजे थे यहाँ पर, खेत में डिलीवरी हो गया था। और आने के बाद इसका मैंने सब ट्रीटमेंट किया, अधिकारी जी बताया, वो बताई सहरिया, लेकिन है ये तेरही फाटक के रहने वाली हरिद्वार। क्या मामला हो गया बच्ची को छोड़ के भागे, क्या प्रकरण? अब उसके परिवार कोई आया था थाना में, मैंने सूचित किया, एक जिससे कि 100 नंबर गाड़ी भी मिलाई थी मैंने, वो कोतवाल साहब आए थे और मैं पकड़ा भी गया, पूछा कि हमारी ये भाभी हैं। ऊपर गया, अब ऊपर गया तो मैं देखे तो वीडियो बनाना शुरू किया, तो उसे पकड़ लिया मैंने। फिर क्या हुआ इसका? फिर मैंने सूचना दिया अधिकारी को, यही हाल है, तो कोतवाल साहब आए थे। फिर चले। आज क्या घटना करूँगा? आज घटना 5:30 बजे चांदनी पुरोहित की ड्यूटी थी और मंदिर कुशवाहा का, निधि गोस्वामी का, किशोरी बेगम का। 5:30 बजे दीवार खुद के भागने की शुरू की, जब सिस्टर ने पकड़ना शुरू की तो ईंट चलाना शुरू किया और बच्चे को छोड़ के भाग गई। बच्चे को छोड़ के भाग गई।